लोकसभा चुनाव में बुरे प्रदर्शन के बाद इनेलो की किरकिरी हो रही है। अभय चौटाला से जब पार्टी का सिंबल छीनने को लेकर सवाल पूछा तो वह पत्रकारों पर उखड़ गए। उन्होंने कहा कि तुम्हें जो कुछ बताया जाता है तुम वही छाप देते हो। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मनोहर लाल चोर है। अभय चौटाला ने नायब सैनी पर भी कई आरोप लगाए। चलिए दिखाते हैं गुस्साए अभय चौटाला ने पत्रकारों से क्या कुछ कहा। तरफ से तो कोई स्टेटमेंट नहीं आती ना, अगर कोई भ्रम में डाल रहा है। अरे तो तुम्हें अक्ल नहीं होनी है, नहीं है ये तो बताओ, तुम कैसे कह सकते हो ये बात? तुमने कौन से संविधान पढ़ लिया? तुमने कौन सा इलेक्शन कमीशन का नहीं, लोग कहते हैं ना जी, लोगों का क्या मतलब है? आपको समझ होनी चाहिए नहीं, आप लिखते हो मैं लिखता हूँ। सर आप आराम से बात कर रहे हैं, आराम से कर रहा हूँ, ये कोई गलत नहीं है, जो सही बात है वो आपके सामने कह रहा हूँ। नहीं सर आप कोई मीडिया के साथ आप ये थोड़े कि कोई भी बात अपनी मर्जी से, मीडिया को ये छूट किसने देती मेरे भाई कि तुम जो मर्जी हमारे खिलाफ लिख दो छाप दोगे? आपको भी सोचना चाहिए। सर आपसे आपको गुस्सा नहीं है? गुस्सा नहीं है, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। आप उन लोगों से पूछो तो सही कि तुम कौन से इलेक्शन कमीशन के कौन से पैरे पे लिखा भाई, कहाँ लिखा दिखाओ आप हमें, पहले दिखाओगे? आप आगे यूँ खाम खा में अनालगार बातें करनी शुरू कर देते हो, फिर पत्रकार का भी ये फर्ज बनता है, वो पूछे तो सही उनसे, उनसे वो कह रहे थे क्या, वो तो तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं क्या कह देंगे, तुम वो भी छाप दोगे? मैं उनके बारे में कह दूंगा छाप दे ले। सर बोल मैं कहता हूँ मनोहर लाल खट्टर चोर है, एक नंबर का, छापो तुम ये छापो तुम्हें। मैं कहता हूँ ये जो सैनी है इसके खिलाफ आज भी मेरे पास 100 एफिडेविट है जो मेरे दफ्तर में पड़े पार्टी के, इसने मंत्री रहते हुए माइनिंग की चोरी करी, मिट्टी की चोरी करी, सरपंचों के लिखित के अंदर मेरे पास है, आज भी एफिडेविट है, तुम छाप दे बात है। नहीं हार गया जीत गया अलग बात है, वो लोगों का फैसला है, लेकिन तुम छापो तो सही, हमारी वाली बात पे तो तुम कहते हो तुम गुस्सा करते हो, गुस्से करने की बात थोड़ी है, हमारे खिलाफ तो जो मर्जी छाप देते हो। मैंने कई अखबारों में पढ़ी है, मैंने जिन्होंने छापी है उनको टेलीफोन पे कहे बकायदा तौर पर, मैं बोला मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, अदरवाइज मैं तुम्हें नोटिस दे सकता हूँ इस बात का, जिस दिन नोटिस दूंगा उस दिन मालिक को भी फिर कोर्ट में आके खड़ा होना पड़ता है, फिर मालिक भी खड़े होकर कहते हैं हमारी क्या गलती है भाई,